हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे। और जस्ट अभी मैं नहा के आई और सानी को भी मैंने नहलाया था क्योंकि उसे फीवर हो रहा था, तो 2 दिन से उसने नहाया नहीं था, बस ऐसी स्पंज उसका बात हो रहा था, तो उसके मैंने सोचा फ्रेशनअप आ जाएगी, तो जिसकी वजह से मैंने उसे नहला के अभी आराम से वो लेटी हुई है दूध पीने के लिए। तो बस मेरा काम हो चुका है, मतलब मॉर्निंग का, और मशीन लगाई हुई थी मैंने कपड़ों की, वो हो जाएगी तो धूप में डालूंगी। धूप तो बहुत मस्त हो रही है भाई, और मैं भी अभी नहा के आई, तो मैं कहा चलो ब्लॉगिंग शुरू कर दी जाए आज की, है ना, नए दिन से। तो ये होता है ना मेरा कि हर दिन मुझे लगता है कुछ नया 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 होता जाएगा, तो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा, शायद बाद में हमें टाइम मिले ना मिले वीडियो बनाने का, लेकिन जो यादें हैं वो संजोती जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि लॉन्ग टाइम तक वीडियोस बनाती जाऊं और अपना एक बेस्ट देती जाऊँ आप सब लोगों के लिए, जो आप सब लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए, है ना। तो चलिए आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा शानदार सा, धूप आई हुई है खिली खिली, और बस ग्रिल में मेरे कपड़े डलने बाकी हैं अभी, वो थोड़ी देर में मैं डाल दूंगी। सो गाइज, धूप तो हो रही है बहुत ही अच्छी सी, अभी मैंने सोचा धूप में बैठूंगी थोड़ी देर बाल सुखाने के लिए, और साथ ही कपड़े भी डाल दूंगी। तो मैंने फ्लिपकार्ट से 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर लेकिन इस बार फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी कर दी भाई, मन कर रहा था कि गाली दे दूँ, पर दी नहीं मैंने गाली, मैंने सीधा रिटर्न में डाला। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या हुआ मेरे साथ। सो गाइज, मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, ये 2 चीज़ें जो मेरे पास आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने पैक करके रिटर्न में भी डाल दिया, तो मेरे को तो इतना गुस्सा चल रहा था ना सब, जैसे मेरे पास ही प्रोवाइड हुआ, कल ही मेरे पास आए थे, वैसे इतना अच्छे से पैक करके आए थे। तो मुझे बहुत टाइम से चाह थी अपने बूट्स की, तो मैंने पिछले साल अपने विशलिस्ट में रखे थे, तो इस बार मैंने वो मंगाए, ठीक है, कि जब मेरा थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ मुझे इसे मंगाना चाहिए, तब मैंने मंगाया। तो मेरे पास थी एक वुलन ड्रेस, तो उसके साथ मैंने मंगाने की कोशिश की थी, तो मुझे इस बार फ्लिपकार्ट वाले ने इतना गंदा वो दिया ना, तो उन्होंने मुझे भेजे हैं ये वाले बूट्स। ऐसे लग तो अच्छे रहे हैं, बट मुझे ऐसे ज़्यादा हाई हील्स वाले बूट्स अच्छे नहीं लगते, और इसका ये जो ज़्यादा होता है ना, ये पीछे दर्द करता है, तो इसे पहनने में भाई मुझे घंटा लगा था, और उतारने में इतनी दिक्कत हुई थी ना, तो मैंने कहा ये बूट तो वापस करूँगी। और इसकी फ़ोटो देखोगे ना आप रियल में, तो मैं यहाँ पर दिखाऊँगी, वो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे पास प्रोवाइड हुआ ये वाले बूट्स, ठीक है, और सेकेंड है इसका ये, तो ये मैंने डाल दिया रिटर्न में, तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आए, और 600 में आए थे मेरे बूट्स, तो मेरे को इतना हील ना मेरे को ज़्यादा दर्द करती है, तो उसकी वजह से मैंने इसे रिटर्न डाल दिया। तो ये शूज़ पहनने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे, मुझे लेस भी नहीं बन रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा झुकना पड़ रहा था इसके लिए, और ऊपर नीचे हो रहे थे लेस, तो पहनने में तो ऐसे सही लग रहे थे, पर मेरे पैरों में दर्द करने लगे थे क्योंकि इसकी हील काफ़ी ज़्यादा थी, और बाकायदा इसका फ्रंट काफ़ी छोटा है मेरे पैर के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगे ठीक ठीक, बट थोड़ा डांस भी आ रहा था मुझे। तो मुझे लगता था कि खाली मीशो ही फ्रॉड करता है, पर फ्लिपकार्ट भी ऐसे फ्रॉड कर देगा, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा बूट्स का सपना सपना ही ना रह जाए इसलिए। तो सेकंड मैंने मंगाए एयरपॉड्स, जो बताऊंगी मैं आपको थोड़े दिन बाद क्या, ये भाई के बर्थडे के गिफ्ट के लिए मैंने ये वाला मंगाया था, क्योंकि उसे पसंद भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो अगर हम किसी की पसंद का गिफ्ट देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये मेरे पास ऐसे प्रोवाइड हुआ है, तो इसमें जलती है लाइट, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी है। तो मेरे हस्बैंड के पास भी सेम ही ऐसे थे, उनका तो यूज़ हो, मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी मैं ही ले लूँगी, और इसमें है ये लाइट जलती, इसमें ऐसे लाइट जलती इसमें, तो ये भाई के बर्थडे के गिफ्ट्स के हिसाब से मैंने लिया था इसमें, तो चेक कर लिया, इसका साउंड वगैरह तो अच्छी है, क्योंकि 7 दिन की रिप्लेसमेंट थी, तो जिस दिन उसका बर्थडे है उसी दिन इसका रिप्लेसमेंट है, तो मैं कहा चलो ठीक है एक बार वो भी चेक कर लेगा इसे, तो आराम से इसका रिप्लेसमेंट वगैरह जो करना है तो कर सकता है वो अपने आप ही। तो फिलहाल ये तो मुझे सही आया है, बस लेग उसमें मुझे दिक्कत हो गई कि जो मेरा बूट्स थे मुझे अपनी किट्टी में पहनने थे, आज ही हमारी किट्टी है, और मेरा वो सपना भी सपना रह गया कि मैं अपने लॉन्ग बूट्स और शॉर्ट ड्रेस के साथ अपनी किट्टी पार्टी में जाऊँ, पर कोई बात नहीं, सोचूंगी कि अगर भाई के बर्थडे तक कोई मुझे अच्छे बूट्स मिले तो ट्राई करूँगी मैं दूसरे वाले बूट्स लेने का। तो चलिए पहले फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, अभी मेरे को अपने सारे कपड़े बाहर डालने हैं, फिर उसके बाद हमारा डिनर लंच का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ अभी कि लंच में हम क्या बनाएंगे, तो वो देखते हैं पहले, तो चलिए चलते हैं।
तो मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी जो है पहाड़ी स्पेशल, और इसके साथ बनाए चावल लंच। तो जस्ट अभी हमारा लंच कंप्लीट हुआ है और मुझे जाना है किट्टी में। किट्टी तो 4 बजे की है और मेरे हस्बैंड भी, मैंने उन्हें बोला था कि आज जल्दी आ जाना क्योंकि सानवी फिर अकेले नहीं छोड़ सकती, तो मैं सानवी को सुला दिया है और मेरे हस्बैंड आ गए और अब मैं उनका फटाफट से पहले लंच बनाती हूँ और उसके बाद, क्योंकि वो बड़ी तो खाएंगे नहीं पहाड़ी बड़ी, ऑब्वियसली वो मुझे ही खानी पड़ेगी, तो मैंने खाई उनके लिए पराठे बनाते हैं और फिर उसके बाद मैं होंगी किट्टी के लिए तैयार। अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी गेट रेडी विद मी किट्टी के लिए कैसे फटाफट से 5 मिनट में तैयार होंगी, क्योंकि 3:15 हो चुका है और फटाफट उनका नाश्ता मतलब लंच रेडी करती हूँ, उसके बाद फटाफट से रेडी होती हूँ क्योंकि 4 बजे हमारी पंचुअलिटी है। तो चलिए पहले लंच रेडी करते हैं। तो मुझे जाना था किट्टी में, जो हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ कपड़ों को लेके, तो इस बार मैंने सोचा मैं जीन्स और ये हुडी पहन के जाऊँगी, तो जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। जीन्स मैंने लिया था जूडियो से और ये लिया था टॉप विशाल से, तो ये मैं अब वेयर करूँगी। इसके साथ भी ऐसे अच्छा लग रहा था पर, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ जीन्स ही मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि हमें बाहर जाना है, तो उसके हिसाब से डेली कम्फर्टेबल जीन्स। तो मैंने पहन लिया उछल की ये जीन्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी पॉकेट थी, मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। और अब करेंगे हम फेस का मेकओवर, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है मेरा फेस, गंदा नहीं वैसे गंदा नहीं, बस जो इसमें स्पॉट्स आ गए, तो इसमें हम इन 4 चीज़ों से करूँगी अपना पूरा मेकअप। तो पूरा मेकओवर करते हैं इन 4 चीज़ों से। तो चलिए पहले लगाऊंगी मैं फाउंडेशन जो है मास्क का फाउंडेशन, और इसे एक बार लगाने के बाद ही हमारे सारे जो ब्लैक हेड्स हैं, मतलब ब्लैक हेड्स जो कह रहे जो पिगमेंटेशन है या जगह जहां पे हमारे फेस से ब्लैक ब्लैक से कुछ रह गए हैं डॉट्स, वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं इससे, तो मुझे ये लगता है बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो इसे मैं एक बार अप्लाई करती हूँ और उसके बाद देखो मेरे फेस का ग्लो। और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, जिसे देख के मुझे लगाई ले तो लिपस्टिक हिलेगा, पूरा लिपस्टिक तो हिला नहीं लेकिन मेरी लिपस्टिक ज़रूर हिल गई थी यहाँ से, तो मैंने इसे सोचा कि मिरर में देख के इसे अच्छे से करूँ, और ये मेरी लग गई लिपस्टिक। अब बाई है हमारी थोड़ा हाइलाइटर की, तो मैंने जिस लिपस्टिक को लगाया था उसी से थोड़ा हाईलाइट कर दिया था अपना फेस, ताकि थोड़ा ऑरेंज से शेड लगे और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा लुक आए। तो ये देखो मैंने टैप टैप किया और ये आ गया मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइलाइटर हो चुका है कंप्लीट, देन इधर फेस पे रह गया, तो इसे भी सारा कंप्लीट करते हैं। और अब देखो मेरा फेस, और अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, क्योंकि मेरे पलके तो है नहीं, फिर भी मस्कारा लगा लेते हैं यार, बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्हें थोड़ा हैवी करने के लिए मैंने लिया है मास्क का ही मस्कारा, तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे मास्क हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे और टिकाऊ और बिल्कुल सस्ते प्रोडक्ट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने जो लेसेस हैं उन्हें हैवी कर दिया। और अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा काजल ताकि नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र भी लग जाती है, भले हम इतने गोरे हैं नहीं लेकिन फिर भी मेकअप करने के बाद हम गोरे हो जाते, तो नज़र ना लगे इसलिए ऐसे। तो अब मेरा फेस हो चुका है रेडी, और अब आई है मेरे वॉच की बारी, जो मेरे पास है नहीं मिक्स मैच, लेकिन फिर भी ये स्मार्ट वॉच हमेशा हर किसी के साथ मैं मैच कर लेती हूँ, कि ठीक है स्मार्ट है तो शायद हर किसी के साथ मैच कर देगी। और ये हो गई है मेरी वॉच रेडी, और अब आइए मेरी इयररिंग्स बारी, जो है मेरी पुरानी इयररिंग्स है लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा सा स्टाइल करती हूँ। और अब आइए मेरी हेयर स्टाइल, जो हमेशा मेरा रह जाता है लेकिन फिर भी मैंने इन्हें खोला और उसके बाद ऐसे ही रख दिया कि चलो ठीक है, खुले हुए बाल भी बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा की तरह मैं अपना पोज मारती हूँ। और अब आइए मेरे शूज़ की बारी, तो यहाँ पे आई मेरी शूज़ की बारी, और मैंने शूज़ भी वेयर कर लिए हैं, वाइट एंड वाइट मैच कर रहा था अप एंड डाउन, देन उसके बाद मैंने थोड़े से पोज मारे, थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की। और आई होप कि आपको मेरा मेकओवर वाला वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले किसी अच्छे से मेकओवर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बहुत बढ़िया की आंटी आपने, बहुत सुंदर, अच्छा टाइम है, मेरा डिनर हो गया। सो गाइस, ये है मेरा आज वाला ब्लॉग, और आई होप कि आपको इंजॉय किया होगा। और फ्लिपकार्ट से तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, घटिया उम्मीद जो फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ किया, बट कोई बात नहीं, आज मैंने एक्सचेंज में डाल, मतलब एक्सचेंज जो डाला था सीधा रिटर्न डाल दिया था, उसके बाद हम गए थे किट्टी में, और उसके बाद आपने मेरा मेक ओवर देखा होगा किट्टी वाला, तो जस्ट फन के लिए मैंने कहा सोचो हर बार, नहीं तो मैं ऐसे सूट साड़ी ऐसे पहन के जाती थी। और अभी तो बहुत किटियाँ बची हुई हैं,
अभी तो ये फर्स्ट शुरू हुई थी, तो उसके बाद से सारा मेकओवर मैं शेयर करूँगी अगर सानवी ने मेरी मतलब सानवी की तरफ से मुझे सपोर्ट रहा तो पूरा मेकओवर मैं आपको आगे भी शेयर करूँगी अपना। और जस्ट ये था मेरा मेकओवर, फर्स्ट टाइम मेकओवर वीडियो, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इन्जॉय किया हो। तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। तो थोड़ी सी चीज़ों में भी हम अपना अच्छा बेटर एक मेकओवर कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होती चीज़ें। और बहुत सारे लोग कंट्रोल करते हैं फिर उसके बाद वो क्या क्या हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती है, तो वो सब मुझे नहीं आता, तो मैंने जस्ट ऐसे ही किया है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।